सीधी तस्वीरें आप कैथल के हुड्डा सेक्टर 21 से देख रहे हैं, जहां लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं लाइब्रेरी का निर्माण होना है। इतनी बड़ी लागत से बनने वाली ये लाइब्रेरी तमाम सुविधाओं से लैस तो होगी ही, मगर एजुकेशन के लिए किया जाने वाला ये निर्माण कार्य शहरवासियों के लिए अपने आप में एक बड़ी सौगात है। आज विजयदशमी के मौके पर कैथल नगर परिषद की चेयरमैन सुरभि गर्ग इसके शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची थी। इस मौके पर उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। मुझे इसका शिलान्यास करने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। शिक्षा का दान एक बहुत ही बड़ा दान है। शिक्षित महिला एक पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षित महिला ही जानती है कि शिक्षा का महत्व क्या है। आजकल सभी को पता है कि आजकल जो शिक्षा है वो जॉब ओरिएंटेड है, और सिर्फ स्कूल और कॉलेज जाने से, डिग्रियां लेने से शिक्षा कोई जॉब नहीं मिलती, एक्स्ट्रा कोचिंग की भी जरूरत है। और आपने, प्रीतम जी ने, ऋषिपाल बेदी जी ने एक कदम उठाया इस सोच के साथ कि गरीब समाज के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर होना चाहिए। ये सोच उनकी बहुत ही सराहनीय है, बहुत सराहनीय है उनकी ये सोच। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग ऐसा ही खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसी ही सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपने बच्चों के लिए इतना सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आप पे सदैव अपनी मेहर बनाए रखे। इसके लिए प्रीतम मेहरा जी ने ये जमीन, जो बहुत ही महंगी जमीन है शायद कैथल की, ये उपलब्ध करवाई, एक बहुत ही बड़ी बात है। प्रीतम मेहरा जी के लिए जितनी तालियां बजे उतना कम है। सरकार से ये जमीन लेना इतनी महंगे दामों में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, और इन्होंने किया। मैं अपने सभी, प्रीतम मेहरा जी का, ऋषिपाल बेदी जी का, राजकली भाटिया जी का, सीमा देवी जी का, नागर जी का, और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं बैठी हैं इतनी बड़ी तादाद में, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और राजकली जी मुझे हमेशा एक बात कहती हैं, 200 महिलाएं तो मेरे साथ हमेशा रहती हैं। आज इन्होंने ये दिखा दिया मुझे कि 200 महिलाएं तो कहती है कि मैं एक आवाज लगाती हूँ तो 200 महिलाएं खड़ी हो सकती है मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जैसे ही हमने आपका मांग पत्र देखा, इसमें आपको जितनी भी राशि चाहिए, आज के लिए हम 21 लाख रुपए की राशि की घोषणा करते हैं। मैडम, आज सेक्टर 21 में पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? आज एक बड़ा ही उत्सव का दिन है कि आज एक तरफ विजयदशमी है, एक तरफ वाल्मीकि जयंती भी मनाई जा रही है, और आज ही के दिन भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का निर्माण होने जा रहा है, उसका शिलान्यास है। आज का शिक्षा देना एक बहुत ही बड़ा दान है, और कहते हैं कि अगर एक नारी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है। तो मैं राजकली भाटिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने शिक्षा के लिए सोचा, शिक्षा के दान देने के बारे में सोचा। यहाँ एक पुस्तकालय का निर्माण कराने जा रही है, एक कोचिंग सेंटर का, जहाँ बच्चे फ्री में कोचिंग ले सकेंगे। जहाँ पर कुछ निर्माण होना होता है, शहर के लिए अच्छा होना होता है, वहाँ सुरभि गर्ग को बुलाया जाता है। लोगों को उम्मीदें आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आयोजक टीम को? जी, ये तो भगवान वाल्मीकि की कहे, श्री राम जी की कृपा है हम पर, कि जहाँ शिलान्यास हो रहा है वो हमारे अगर सहयोग से, हमारे हाथों से हो रहा है, तो शायद ये उन्हीं की कृपा है। और लोगों की जो भी उम्मीदें हैं हमसे, हम उन्हें पूरा करने का दिन प्रतिदिन प्रयास करते ही जा रहे हैं। और इस फंक्शन के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज एक सबसे बड़ा, जो आज हमारे प्रधान जी ने, प्रीतम जी ने, जो आज ये अम्बेडकर भवन का जो शिलान्यास किया है और पुस्तकालय बनाया है, क्योंकि शिक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर आज के भौतिकवादी युग में किसी का भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है, तो वो सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। और शिक्षा भी हमारा एक दृष्टिकोण रहेगा कि एक ऐसी शिक्षा हो जो जॉब ओरिएंटेड हो, कि जो यहाँ से बच्चे पढ़ करके जाएंगे उनको रोजगार मिले, उनका समाज के अंदर जो अच्छा संदेश लेकर के जाए, समाज की जो आज की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसको ठीक ढंग से, सुचारू रूप से उसको स्थापित करने में मदद करे। मैं, ये हमारे इस कार्यक्रम का एक मकसद है। थैंक यू सर।